96 वन शॉट। अच्छा सबके सामने करने वाला है इसको 9.8 है इतना ज्यादा उससे भाई इसे 3 ऊपर भेज दिया। हेलो दोस्तों आज हम देखने वाले काइजू नंबर 8 का एपिसोड 10। बाकी इंट्रो में टाइम वेस्ट नहीं करूंगा आज इस एपिसोड देखते हैं। बड़ा नहीं हो गया था लास्ट एपिसोड में इतना बड़ा हो गया था हमें इसका वीक पॉइंट कुछ पता चल गया था जितना मुझे याद है। ये तो पिछले एपिसोड से रीकैप टाइप मेरे हिसाब से अंटिलन से वापस छोटा हो गया। लुक क्या इतना अच्छा लड़ा था लेकिन वो ये ना स्टार्टिंग से करते मुझे लग रहा था काफी हराएगा इसको। काइजू है इस बेचारे इतना ट्रेनिंग करते सब कुछ और काइजू कितने ओपी है मतलब रीजनरेट हो सकते हैं बड़े हो सकते हैं इतने फास्ट है इतने अनफेयर से बेचारों के लिए गोलियां मार रहे होते हैं। हाँ ये था इसको कोर दिख गया था और इसने हाँ ये इतना सेक्सी था ये सीन अभी वही है ना ये रीजनरेट हो जाते पता नहीं कैसे मारना है इनको मेरे हिसाब से तो कोर पे मारना जिसने करा लेकिन फायदा नहीं हुआ पता नहीं क्यों क्या वो सिर्फ काइजू ही मार सकते हो ऐसा कुछ हो ये पावर रेंजर्स में होता था यार इसको मारते थे हम विलन को बड़े हो जाते थे फिर वो ट्रांसफॉर्म करते थे ये हमारे से ज्यादा स्ट्रांग है हमारे वाले का 8 है ना क्या ऐसी कोई नाम है 8 है पता नहीं क्या है वो स्टार्टिंग में थोड़ा नॉर्मल सा लग रहा था इतना अच्छा नहीं लेकिन आखिरी एक दो एपिसोड इतने सेक्सी रहे इसके। हाँ का आपका कोई आएगा 100% या फिर कैप्टन जो है हमारी जो आई नहीं अभी तक क्या पता नहीं कहाँ है वो ये सेंस कर पा रहा है इसी को जाना पड़ेगा और करना पड़ेगा बच्चे लगते हैं अभी बिछा रहे हैं उनके साथ उसका अटैक जा भी नहीं रहा उसकी स्किन के थ्रू वही तो क्या ही कर लेगा इसको मीन भी इसकी स्पीड थी ना पावर तो थी नहीं इसकी क्या हुआ इसकी भी ट्रांसफॉर्मेशन होने वाली अच्छा क्या कितने घटिया है इनके सूट वूट मतलब ऐसे काइजू को कैसे रहेंगे इन चीजों के साथ गंज भी टट्टी सी है बिना सूट के बेचारे एक शॉट मर जाएंगे इसके तो साथ छोटे आए थे वो भी इतने स्ट्रॉन्ग से है बेचारे पर हमारे यहाँ पे क्या ही बोलूं तो उनके अटैक से जो काइजू के अटैक से बाकी वाले ना का भाई का आपका जल्दी आया वैसे बेचारा मर जाएगा इतनी जल्दी मारा तो भाई मेरे को बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा जी जे की वाली बकवास हो जाएगी। देखो अभी ये हमारा सेकंड स्ट्रॉन्गेस्ट है अब सोचो अगर सेकंड स्ट्रॉन्गेस्ट इससे हार रहा है तो फिर इनसे ये सब क्या ही करेंगे बेचारे बिना कैप्टन के बिना हमारे काफ्का के राहुल इतने सालों से कैसे लड़ रहे हैं इनसे ये कहते इसके काफ्का के बनने के बाद ही सारे स्टार्ट हो आने तो कौन से इसकी भाई ये मरने वाला है क्या जो दिखाने लग गए अबे इसको मार देंगे क्या 45 बना रहे हैं मेरे को तो नहीं लगता ये ना कोई आने वाला है 100% कोई चांस ही नहीं है अब कुछ कर सकते हैं या तो आज मरने वाले या फिर कोई आने वाले और बीच का कुछ नहीं है मेरे हिसाब से तो एक बार ये बड़ा हो जाएगा ना मेरे हिसाब से उसकी लिमिटेशन वो होगी जो काइजू की वो रीजनरेट नहीं हो पाएगा मैं गैस कर रहा हूँ अभी भी लड़ रहा है कुछ हो नहीं रहा ना ओ हुआ थोड़ा तो हुआ पावर वाली चीज नहीं गंज वगैरह नहीं यूज करता ना देख रहे फिर भी जितने ऊपर आ गया मतलब अपनी स्पीड के ऊपर ही बस कैप्टन तब से मतलब दिखा रहे थे स्टार्टिंग से एक साथ मतलब जब शायद कैप्टन नहीं थी मैं गेस कर रहा हूँ हाँ वो ही तो इन देख सकते परफेक्ट है वो बिल्कुल गन यूज करती है और ये ब्लेड
मुझे वैसे भी क्या चैप्टर तो पसंद है, फनी भी है, नेचर भी अच्छा लगता है मुझे इसका। हैवी वैसे टाइप का जिनने मेहनत से करा है, मतलब गिफ्टेड वाले लोग भी अच्छे होते हैं कभी कभी, ऐसे नहीं बोलूंगा मुझे नहीं पसंद आते। अब भी अगर ये डैमेज नहीं करते भी तो कैप्टन हरा देगी फिर इसको। कर तो रहा है अपनी स्पीड से लेकिन बस खत्म हो रखा है, पूरा 100% दे रहा है बेचारा ना, खत्म आने वाला है आपका, वही कोई चांस ही नहीं मरे। तो बाकी लोग क्या कर रहे हो, बस देख रहे हैं इसको। हाँ इसको करना ही पड़ेगा, लेकिन चल ना साइड में जाके कर ले, बाकी सारे शूट करो भाई। नहीं मेरे आपसे कुछ तो करेगा कि साइड में जाएगा, सबके सामने कर रहा है। तो कैप्टन आ गई, हाँ मैंने कहा था इनमें से एक को आना पड़ेगा। पूरे उड़ते नहीं बॉडी वर्ड इसका, सही टाइम पे आ गई भाई, ठीक हाँ। इसका देख रहे कितना डैमेज होता है, इसका तो बहुत ज्यादा डैमेज है, इससे तो नॉर्मल से शूट करा वो बेचारे कब से चला रहा था अपनी। टाइगर क्या करता है, टाइगर को यूज करते हुए देखना मैं तो। अभी भी रीजनरेट कर रही है, बकवास यार इतने ओपी से इतनी जल्दी तो सबके सामने नहीं करेगा वो, मेरा तो होएगा कभी बाद में। लेकिन यार ये बेचारा अभी तक लड़ रहा, बाकी क्या कर रहे हैं, क्योंकि ये अभी भी हेल्प कर रहा है जब सारे सब में से, तो बाकी कुछ कर नहीं था, बाकी देख रहे उसको ही करना पड़ेगा। मेन रीजनरेट बकवास है। आइए ना बात, फाइनली कोई आया, मतलब वाइस कैप्टन इतनी ज्यादा ऊपर है इससे। हाँ वही तो, और ये इतनी स्ट्रांग हो गया बाकी से। चलो उसमें आइए है ना बात, अब उसके लिए उसके ऊपर भी थोड़ा प्रेशर हटा, वो एक ही हिट से उस पर कितना हुआ, मतलब देखो इसके एक एक हिट कितना लगता है, लेकिन फिर रीजनरेट करने का फायदा ही नहीं है। बैक पे तो करना था, फाइनली फाइनली कुछ कर रहे हैं बाकी भी। ए, वेट क्यों कर रहे थे कैप्टन के आने के बाद, इस कैप्टन को खरीद लेते थोड़ा सा सपोर्ट। मेन मेमोरी भी तो यही रहा है, कुछ हो जाए तो वो भी हो गया, सब सारा कर रहा है मैं। इसके लिए तो इजी नहीं है, बस खड़े होकर दूर से मारना है, इसकी डबे बेचारे कभी भी मर सकते इतनी पास। एमवीपी है भाई ये, मतलब इसकी तो बढ़िया लगा मुझे, सही में अच्छा है, कुछ नहीं कर रहे थे, देखा उनकी गोलियां टच भी नहीं हो रही। हाँ तू तो अपना मार्ग छोड़ चुका है ना, कोई चांस नहीं। हाँ वो हो गया टाइम, मैं कोई इतनी जल्दी ना, 96 कितने परफेक्ट दोनों एक दूसरे के लिए, वन शॉट। लेकिन मेहनत तो उसने करी है, कुछ कह रहे भाई कितने स्ट्रॉन्ग है, अगर एक शॉट कर पा रही है इसको, लेकिन इसके बिना क्या करेगी है इसके लिए यार, इजी है यार इसके लिए, कितना मतलब अगर कोई डिस्ट्रैक्ट कर दे तो वन शॉट कर सकती है। बोल रहा था काइजू कितने ओपी टाइप, ये ज्यादा ओपी है इसका, ये हर बार आएगी और 96% और खत्म। फीलिंग आ जाएगी कोई एक और आने वाला है काइजू ऊपर से, अभी यार एक दो फाइव आ रही है पत्नी को, जो इतना लंबा खींच रहा है ना इस सीन को, और किसको कर रहे हैं और बात है, बिना अभी काइजू बनने के लिए थोड़ा यूजलेस है। रियलिस्टिकली कैप्टन नहीं, कैप्टन को भी जरूरत नहीं रेस्ट की, मुझे नहीं फर्क पड़ता 96 था 98 था भाई, इस कैप्टन को है, कैप्टन ने दो चीजें करी आके। देखो एक मैं कह रहा हूँ और आने वाला है इसलिए है टाइगर, ये कौन आ गया, एक बन जाएगा इनकी गोलियां।
तो भी मरा नहीं तो ये मरते ही नहीं बितला वाला भी जिंदा भाग गया। अच्छा सबके सामने करने वाला है को लगा नहीं इतनी जल्दी अपने आप को शो करेगा। तो पता चल गया सबको, सारे सोच रहे ये सबसे इसको बकवास समझते थे। इसको 9.8 है इतना ज्यादा उससे। इसने तो पहले ही गेस कर लिया था, थोड़ा सेंस था अभी वो अच्छा ही है, लेकिन इनके लिए पक्का नहीं ना ये कैसे रिएक्ट करेंगे। हाँ उसको थोड़ा बिट्रेट टाइप लगेगा ना वो, लेकिन उसको भी समझना चाहिए कहाँ से आ रहे हैं। इतनी जल्दी पता चल गया सबको, तो भी थोड़े टाइम बाद बताएंगे। हमें देखना ये कैसे रिएक्ट करेगी, इसका रिएक्शन देखना है ये क्या है। क्या तो सही रहा है, कब से उड़ सकता है। बाकी उड़ कब से सकता है भाई। वनशॉट ये भी ना भाई, ये साइतामा है शो का, देखो उसको भी वनशॉट कर रहा है भाई। ये क्या कर रहा है, ये कहाँ लेके जा रहा है उसको, ये कैसे कर रहा है इसने। यार मेरे को लगा था फटेगा वो, ये तो ऊपर ही ले गया, पता कैसे नहीं वो चीज। अरे ये देख के तो इनको समझ जाना चाहिए कि वो अच्छा इंसान है भाई, इसने इतनी ऊपर भेज दिया। अभी भी देखो इतना टाइम हो, जो सोचो नीचे होता तो भाई साहब, अभी नीचे होता तो खत्म थे सारे लोग। तो ये देख के वगैरह ने बोला ना कि घटिया वगैरह है, मतलब समझ सकता है तुम्हें फोर्स में नहीं रखना इसको, लेकिन भाई लेकिन उसने क्या करा तुम्हें दिख ही रहा होगा अभी। देखो इतना डैमेज हो गया और वो कहाँ था, मतलब भागना ही पड़ेगा, लेकिन मेरे को अभी फीलिंग आ रही है इसको। भाग भी नहीं सकता मतलब, इनको तो ये भी लग रहा है ना उसने पहले डैमेज वैमेज करा था। लेकिन उन्होंने देखा नहीं क्या उसने किस लिए पावर यूज करी है, गोबर है लोग कसम से। समझ सकता लेकिन नहीं यार, मेरा सवाल इस कैप्टन बचाएगा इसको, मुझे फीलिंग आ रही है। ऑफ कोर्स इस एपिसोड में नहीं होने वाला हो, मुझे यही लगता है वाइस कैप्टन हमारा इसको बचा लेगा, या फिर इसको भागना पड़ेगा, भागने देगी ये ऐसा कुछ होएगा। कुछ मेरे को लगता है नॉर्मल रहेगा इनके साथ, या तो इसको भागना पड़ेगा कुछ तो होएगा, मतलब मेरे को नहीं पता। वाइस कैप्टन कैप्टन जाने देंगे, वो उसकी दोस्त है और उसको ये पसंद है इसलिए वगैरह वगैरह। अभी काफ़ी अच्छा एपिसोड तो बहुत अच्छा था, और तुम देखे तुम्हें पता ही होगा अच्छा, मेरे को बोलने की जरूरत नहीं। अगर तुम वीडियो अच्छी लगी सब्सक्राइब वगैरह कर लेना, तो देख ली, थैंक यू, बाय बाय।